हेलो दोस्तों, बॉस ऑफ इंडियन शेयर बाज़ार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसे कि हमने कल एक शेयर से रिलेटेड वीडियो बनाया था जिसमें हमने रिजल्ट से रिलेटेड बातें करी थी, इन्फोसिस और इन्फोसिस के काफ़ी बेहतरीन रिजल्ट देखे थे, एज वेल एज हमने सारी ही IT कंपनीज़ के रिजल्ट जो देखे हैं काफ़ी बेहतरीन रिजल्ट देखे हैं। तो आइए, एक और IT कंपनी है जिसके रिलेटेड मैंने कभी वीडियो नहीं बनाया, बट काफ़ी टाइम से मैं इसे ट्रैक कर रहा था और बहुत अच्छी कंपनी है, डेट फ्री कंपनी है और जिस ग्रुप का ये हिस्सा है वो ग्रुप भी काफ़ी अच्छा ग्रुप है। तो आइए इससे रिलेटेड बातें कर लेते हैं, उसका रिजल्ट देख लेते हैं, जल्दी जल्दी इस वीडियो को ख़त्म करेंगे, रिजल्ट देखेंगे, फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे थोड़ी बहुत। आइए वीडियो की तरफ चलते हैं। तो जैसे कि हम वीडियो की तरफ चलते हैं, बट इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, आप हमारे चैनल बॉस ऑफ इंडियन शेयर बाज़ार को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ, ताकि इस तरीके की बेहतरीन वीडियो आपके सामने शेयर बाज़ार से रिलेटेड मैं आप पेश करता रहूँ। तो आइए पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ लार्सन एंड टुब्रो इन्फोटेक। ओके, इससे रिलेटेड मैंने काफ़ी बार वीडियो बनाई है। ओके, इसका चार्ट पैटर्न आप देख सकते हैं काफ़ी बेहतरीन है, बट मैं इस शेयर से रिलेटेड बातें नहीं करने वाला, बट आपको बताना चाहता हूँ लार्सन एंड टुब्रो किसका पार्ट है। लार्सन एंड टुब्रो का एक हिस्सा है। ओके, तो लार्सन एंड टुब्रो से अलावा एक ये सॉफ्टवेयर कंपनी है, एक और सॉफ्टवेयर कंपनी है। ओके, जिससे रिलेटेड मैं बातें करने वाला हूँ। आइए पहले रिजल्ट्स, पहले मैं आपको कुछ परफॉर्मेंस दिखा देता हूँ। वन डे वन वीक का परफॉर्मेंस इसका लो है, बट आप वन मंथ देखिए, थ्री मंथ देखिए, सिक्स मंथ देखिए और वन ईयर देखिए, लगभग 100% के रिटर्न्स, और 10 ईयर्स में देखेंगे तो आपको 1000% के रिटर्न्स आपको साफ दिखाई दे रहे हैं, जो कि बहुत बढ़िया आपको इसके रिजल्ट्स आपको जो वो दिखाई दे रहा है, इसका शेयर का जो प्रॉफिट आपको दिखाई दे रहा है, 1000% के रिटर्न्स जो दिखाई दे रहे हैं काफ़ी बेहतरीन है। तो इसके अलावा हम बात कर लेते हैं यहाँ पर एक और चीज़ देखिए, प्रमोटर की हिस्सेदारी। प्रमोटर्स ने अपनी हिस्सेदारी स्लाइटली कम करी है। ओके, स्लाइटली तो नहीं कहेंगे, बहुत ज़्यादा कम करी है, लगभग 5.90% की हिस्सेदारी कम करी है, जो कि 73 से 67.59 करी है। फॉरेन इन्वेस्टर ने अपनी हिस्सेदारी बढ़ा दी है, 12% की हिस्सेदारी है। म्यूचुअल फंड ने अपनी हिस्सेदारी 3.95% से बढ़ा दिया, 8.66। इंश्योरेंस कंपनी ओके ने अपनी हिस्सेदारी बढ़ा दिया, 2.78। अदर DIS ने थोड़ी सी हिस्सेदारी अपनी कम करी है, तो 0.53। और नॉन इंस्टीट्यूशन ने अपनी हिस्सेदारी बढ़ा के 8.42 है। और कोई भी प्लेज इनका शेयर प्लेज नहीं है, कोई भी कर्ज में नहीं है। ओके, और ये जो हिस्सा है ये कंपनी की जिसकी बात कर रहा हूँ, उसे लार्सन एंड टुब्रो से रिलेटेड एक कंपनी है। और आपको बताना चाहता हूँ बैलेंस शीट पहले दिखा देते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं बैलेंस शीट, रिजर्व्स देखिए क्या बेहतरीन रिजर्व्स है, जो कंटिन्यूसली इसके रिजर्व्स बढ़ते जा रहे हैं, लगभग 3000 करोड़ रुपए के इनके पास रिजर्व्स हैं, जो कि बहुत बढ़िया रिजर्व्स है। और कंपनी मैंने ऑलरेडी बताया था डेट फ्री कंपनी है, तो देखिए नॉन लॉन्ग टर्म इन बोरिंग कुछ नहीं है, जीरो शॉर्ट टर्म बोरिंग जीरो, एज वेल एज मैं यहाँ पर करंट इन्वेस्टमेंट की बात कर लेता हूँ, तो लगभग 700 करोड़ या 694.40 करोड़ रुपीज़ के करंट इन्वेस्टमेंट कर रखा है इस कंपनी ने, एज वेल एज कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की बात करें तो देखिए कंटिन्यूसली बढ़ता जा रहा है। और पिछले साल 250 करोड़ के रिजर्व्स थे, जो अभी लगभग 585.50 करोड़ के, लगभग 600 करोड़ के कह सकते हैं कि इतने करोड़ के इसके पास रिजर्व्स है। तो काफ़ी बेहतरीन, सॉरी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है, कैश एंड बैंक बैलेंस, इतना सारा इनके पास कैश एंड कैश बैंक बैलेंस है, जो कि काफ़ी अट्रैक्टिव यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है बैलेंस शीट। एज वेल एज हम इसके डिविडेंड की बात करें तो डिविडेंड देने में काफ़ी अच्छी है, डिविडेंड काफ़ी अच्छा डिविडेंड देती है ये कंपनी। बोनस की बात करें, दो बार बोनस 2014 और 2016 में बोनस भी दिया है 1:1 का। ओके, तो स्प्लिट की बात करें, स्प्लिट और राइट इशू कोई नहीं है, 10 का फेस वैल्यू है इसका। तो आइए सीधे चलते हैं। ओके, कौन से शेयर की बात कर रहा हूँ बता देता हूँ। तो जो शेयर है माइंट्री शेयर है, ओके, IT कंपनी है, और ये कि मिस्टर सूता का नाम सुना होगा, IPS माइंड का आपने नाम सुना होगा, जो कि अभी कुछ टाइम पहले इसका IPO आया था, उन्हीं की ने इस कंपनी को co-found किया था। ओके, co-founder थे इस कंपनी के। और मैक्सिमम चार्ट पैटर्न इसका देख लीजिए, काफ़ी बेहतरीन चार्ट पैटर्न, और दो बार इस कंपनी ने आपको बोनस भी दिया है। और देखिए माइंट्री इज अ इंटरनेशनल इंडियन इन्वेंट्री मल्टीनेशनल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड आउटसोर्स कंपनी, हेडक्वार्टर इन बैंगलोर इंडिया एंड न्यू जर्सी USA। इट इज़ पार्ट ऑफ लार्सन एंड टुब्रो ग्रुप, तो लार्सन एंड टुब्रो ग्रुप का ये पार्ट है, तो इसलिए बताना चाहता हूँ काफ़ी बेहतरीन ये कंपनी है। आज का परफॉर्मेंस देख लीजिए, ओके, 52 वी लो, तो 14 नवंबर 2019 को 675 रुपीज़ का शेयर था, जो 52 वीक हाई 605 रुपये का शेयर, ओके, यहाँ कल की डेट में था, तो काफ़ी अच्छा इसने जंप भी लगाया, लगभग 22% की आज यहाँ पर आपको डिलीवरीज उठाती हुई दिखाई दे रही है। हमने ये सब चीज़ बातें कर ली है। ओके, डिविडेंड भी हमने देख लिया, और कोई भी शेयर कर्ज में नहीं है।
बट मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ, एयरटेल डेट की एक बार देख लेते हैं। तो लगभग पैंडमिक से पहले 1000 रुपये का शेयर चलता था, पैंडमिक में ये शेयर लगभग 700 रुपये के आसपास आया, और अभी देखिए लगभग दो मतलब 100% के रिटर्न इस कंपनी ने आपको दी है। तो आईटी कंपनी में काफ़ी ज़्यादा स्कोप है, और ये कंपनी जो छोटी छोटी कंपनी भी, छोटी तो नहीं कहूँगा, लार्ज कैप कंपनी है। ओके, ऐसे हमने ऑलवेज TCS की बात करते हैं, हम ऑलवेज इन्फोसिस, विप्रो, ओके, LTI, इन सब की बात करते हैं, बट हम ऐसी कंपनीज के बारे में बात नहीं करते। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ माइंडट्री काफ़ी बेहतरीन कंपनी है आईटी, और इसके रिजल्ट्स मैं अभी आपको शो करने वाला हूँ। तो काफ़ी अच्छे मल्टीबैगर 1000% के रिटर्न्स इसने 10 साल में दिए। तो और क्या चाहिए आपको, बैंक में FD में भी रखते तो 100% के रिटर्न नहीं मिलते, बट यहाँ पर आपको 1000% के रिटर्न मिले। तो आइए एक बार रिजल्ट देख लेते हैं। तो देखिए रिजल्ट मैं आपको बताना चाहता हूँ, रुपीज़ इन मिलियन है फर्स्ट ऑफ ऑल, ओके, रुपीज़ इन मिलियन है। हम देखो क्वार्टर वाइज एंड ईयरली वाइज एक बार कंपैरिजन करेंगे। ये सितंबर 2013 का है, ये जून 30 का है फर्स्ट क्वार्टर का, और ये लास्ट ईयर का इसका परफॉर्मेंस है। तो लास्ट ईयर से एक बार कंफर्म कंपेयर कर लेते हैं। 19143 के रिवेन्यू थे इसके ऑपरेशन से, ओके, हमें ऑपरेशन से मतलब जो कंपनी काम करती है एक्चुअली उससे क्या उनका रिवेन्यू आता है वो देखना जरूरी है, ना कि अदर इनकम्स। तो हम रिवेन्यू देख लेते हैं। तो रिवेन्यू 19143, ओके, 19143 का मिलियन रुपीज़ का इनका रिवेन्यू था, ओके, किससे था, ये लास्ट ईयर था सेप्टेम्बर में। और फिर लास्ट क्वार्टर की बात करें तो 19.88 का था, और इसके बाद अभी देखिए अभी कितने हैं, 19260, तो 19260 का जो इनका रिवेन्यू है, जो कि क्वार्टरली बेसिस एज वेल एज एनुअल बेसिस पे काफ़ी बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, जो कि काफ़ी अच्छा है। अदर इनकम भी देख लेते हैं, अदर इनकम 245 लास्ट क्वार्टर, 1406 और 197। और अगर टोटल इनकम की बात की जाए तो क्वार्टरली बेसिस एज वेल एज ईयरली बेसिस पे ग्रोथ हमें साफ नज़र आती है, जो कि लास्ट ईयर 934 थी, क्वार्टर की बात की जाए तो 9494 की थी, 19494 की थी, और अभी लगभग 19,505 मिलियन रुपीज़ का यहाँ पर टोटल इनकम है, जो कि अच्छी बात है। और टोटल एक्सपेंस की बात की जाए तो एक्सपेंस यहाँ पर कंपनी के हुए हैं, जो कि लास्ट ईयर ज़्यादा हुए थे, 17,506 के थे, जो कि लास्ट क्वार्टर में 16,596 के थे, और अभी देखिए ये मतलब कंटिन्यूसली अपने क्वार्टर वाइज एज वेल एज एनुअली इन्होंने अपने एक्सपेंसेस घटाए। तो 16,058 मिलियन रुपीज़ के इनके एक्सपेंस हुए हैं, जो कि ईयरली एज वेल एज क्वार्टरली काफ़ी कम हुआ है, जो कि अच्छी बात है किसी भी कंपनी के लिए। प्रॉफिट बिफोर टैक्स देख लेते हैं, ओके, लगभग 3447 मिलियन रुपीज़ के यहाँ पर प्रॉफिट हुआ है, ओके, जो लास्ट क्वार्टर में 2898 था, और लास्ट ईयर तो 1834 था, जो कि अगर बात की जाए लगभग दोगुना अभी इनका प्रॉफिट बिफोर टैक्स है। और हम सब कुछ काटने का टैक्स वगैरह देने के बाद, ओके, नेट पैट की बात कर लेते हैं, ओके, तो नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड, ओके, कितना है, 3537, मतलब लास्ट क्वार्टर कितना था 2130, और लास्ट ईयर कितना था 1350। तो देखिए लगभग दुगने की बात कर सकते हैं कि लास्ट ईयर से अच्छा मतलब दुगना प्रॉफिट इसने अपना कवर किया है, एज वेल एज 2130 क्वार्टर्स की भी बात कर ले जाए लगभग 400 मिलियन रुपीज़ के यहाँ पर जंप दिखाई दे रहा है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। तो इनकी जो ये रिजल्ट आया है काफ़ी अट्रैक्टिव रिजल्ट है, जो कि TCS और इन्फोसिस से भी अच्छा ही बताएंगे अगर ईयरली और क्वार्टरली बेस पर बात की जाए तो। और इसके अलावा हम बात कर लेते हैं EPS की, तो EPS लास्ट ईयर 8.20 था, जो कि लास्ट क्वार्टर में 12.94 था, और अभी 15.40, मतलब अर्निंग पर शेयर कितना है 15.41। तो काफ़ी अट्रैक्टिव ये कंपनी नज़र आ रही है, ओके, लोगों की नज़र से छुड़ जाती है। हर कोई TCS और इन्फोसिस पे वीडियोस बनाता है, बट इस पे नहीं बनाता, तो मैं आपको ये सामने पेश कर रहा हूँ ये शेयर माइंडट्री। तो काफ़ी बेहतरीन है, आज और कल का रिजल्ट में देखें, मैक्सिमम टाइम के लिए होल्ड करेंगे तो डेफिनेटली आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट इसमें मिल, लोगों ने कितने अच्छे रिटर्न्स ने कमाया, बोनस वगैरह सब कुछ मिला के भी बात की जाए तो देखिए 1000% के तो रिटर्न तो 10 साल में ही इसने दिए। तो आपसे निवेदन है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करिए, एज वेल एज हमारे चैनल बॉस ऑफ इंडियन शेयर बाजार को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ, ताकि हम इस तरीके की बेहतरीन वीडियो आपके सामने पेश करते रहें। तो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।